हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया'स क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल कुछ दिन से खूब अच्छी बारिश होने लगी है, हमारे इलाहाबाद में तो हो ही रही है, साथ में हमें लगता है लखनऊ है, नोएडा है, झांसी है, जैसे कई इलाकों में हमने सुना है कि बारिश हो रही है। तो हम लोग को जो है अपने गार्डन में अपने प्लांट्स के प्रति कुछ सावधानी कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम लोग एक एक दिन करके ऐसे ही टालते रहे तो परेशानी हो जाएगी, नुकसान काफी गार्डनिंग में हो जाएगा। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चीज चेक करना कि आपके जितने भी गमले हैं उसमें कहीं पानी तो नहीं रुक रहा है। अगर जो है आपके गमले में कुछ दिन भी पानी स्टोर रह गया, रखा रह गया, तो आपके प्लांट की जड़ें जो हैं वो सड़ने लगेंगे, उनको प्रॉपर हवा नहीं मिलेगी पानी बहुत ज्यादा जमा होने से। तो आपको अपने गमलों का ड्रेनेज होल सबसे पहले खोलना है। कोई भी प्लांट है आपका, चाहे ये हैंगिंग बास्केट्स ये वाली हो, ऐसी बारिश हुई है तो आप खुद जान जाओगे कि आपके गमले में पानी भरा भरा तो नहीं है। जिस भी गमले में आपको पानी बार बार भरा लग रहा है तो आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट लेकर के इसके नीचे डालना, कोई ऐसे मोटी कीली टाइप की होती है, कोई भी तार ले लेना लोहे का, उसको डालना, दो तीन बार आगे पीछे करोगे तो वो ड्रेनेज होल उसका खुल जाएगा। गमले के नीचे की ट्रे जो है उसको हटा दीजिए ताकि पानी उसमें स्टोर बिल्कुल ना हो। अगर आप टेरेस में गार्डनिंग करते हो या फिर बालकनी में, तो देखिए हर बालकनी उसका एक ड्रेनेज पाइप होता है, जहाँ से उस बालकनी साफ होती है तो पानी निकल के जाता है। तो आप जो है उसको चेक कर लेना वो प्रॉपर साफ है कि नहीं है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो सूखी पत्तियां हैं गार्डन की, फूल हैं, वो सब जाकर के जम गए हों। और साथ में एक चीज आप और कर सकते हो कि हम लोग जो है कई बार गमले रख देते हैं, ड्रेनेज यहाँ होल होता है, पाइप होता है, वहीं पर गमले रख देते हैं, तो उसको वहां से हटा दीजिएगा। क्योंकि किसी भी कारणवश अगर जो है आपका पाइप हो, मतलब उसमें से पानी नहीं निकलने लगा, पानी जो है वो आपके छत में या फिर आपकी बालकनी में भरेगा, तो जिससे कि उस गमले के अंदर को पानी जाएगा और आपका प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी तक देखिए गर्मी से बचने के लिए हमने अपने प्लांट्स को एक साथ सबको रखा था, ग्रुप बना के, झुंड बना के रख दिया था ताकि वो जो है आपस में एक दूसरे को कूलनेस दें। लेकिन अब जो है बरसात का सीजन है, अब हमको थोड़ा सा अलग अलग करना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे काफी सारे प्लांट्स जो है ये पास पास रखे हैं। अब जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा अब इन प्लांट्स को मैं दूर करती जाऊंगी, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स ये पास पास रहेंगे सारे ना, तो इसमें जो है आपस में फंगस भी पैदा हो सकती है, जहाँ पानी लगातार बरस रहा है और उनमें स्टोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन में यहाँ पर फंगस ग्रो हो जाएगी, तो जिससे कि आपके प्लांट को नुकसान होने लगेगा। तो आप इस चीज को चेक कर लेना कि आपके जो प्लांट्स हैं उनका बहुत क्लस्टर यानी झुंड तो नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा सा उसको फैला दो ताकि उसके बीच में जो हवा का फ्लो है वो अच्छा बना रहे। अगर आप देख रहे हो कि आपके प्लांट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत लंबाई हो रही है, तो आप जो है उनकी थोड़ी सी कटाई छटाई भी कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा पत्तियां ग्रो हो रही हैं तो थोड़ा सा पत्तियों का फोलेज कम कर दें, ताकि क्या है ना कि जो प्लांट के बीच में हवा का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, वो बना रहे। जो आपके थोड़े से हार्डी टाइप के प्लांट हैं, जो कि जल्दी इनको नुकसान नहीं होता, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपके थोड़े से नाजुक टाइप के प्लांट्स हों। तो आप जो है उस चीज को चेक कर लेना। जबरदस्ती हम नहीं कह रहे कि आप सब बैठ करके हटाने लगो, अगर देखो आप बहुत कचर कचर हो रहा है, कीड़े मकौड़े हैं, वो इसमें अपना घर ना बनाए। अब क्या होता है, जहाँ पर ये जो हमारे प्लांट्स आपस में चिपके रहते हैं ना, तो ये एफिड्स वगैरह वहीं पर ही घुस जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, प्लांट को थोड़ा खुला खुला सा रखिए ताकि उसमें हवा का फ्लो बना रहे और जो सनलाइट है वो भी जाए। देखिए सनलाइट तो रेनी सीजन में थोड़ी कम हो जाती है, तो जब भी निकले तो पूरा प्लांट को मिले वो, ताकि प्लांट्स जो है, लीव्स जो है, ये अपना फोटोसिंथेसिस का काम कर सकें। नेक्स्ट टिप ये है कि थोड़ा सा अपने जो यहाँ भी गार्डनिंग करते हैं उसकी गंदगी को साफ करिए। क्या होता है, हम लोग जो है इधर जब गर्मियां रहती है तो हर चीज को रखते जाते हैं,
काम आएगी, कभी कंपोस्टिंग है, कभी किसी चीज के लिए है। तो जो चीज जरूरी है उसको रखिए, अनवांटेड चीजों को हटा दीजिए जिनकी जरूरत ना है, क्योंकि पानी उनमें स्टोर होगा। कई बार है पानी फेंक नहीं पाएंगे तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर के लावास पैदा होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ में ये भी आपको देखना है कि जो आपके वाटर प्लांट्स हैं जिनमें आपने वो पानी वाले पौधे लगा रखे हैं, पानी को भी आपको हर हफ्ते बदलते रहना है। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रेनी सीजन आता है इसमें मॉस्किटोज की ब्रीडिंग बहुत तेज होती है, तो आपको इसको क्लियर करके रखना है, साफ करके रखना है, ताकि मच्छर के लावा पैदा ना हो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपनी कंपोस्टिंग का अब ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें जो है रेन वाटर, बारिश का पानी बिल्कुल ना जाए। बारिश का पानी जाने से फ्रेंड्स वो गचर पचर हो जाएगी, ज्यादा गीली हो जाएगी और उसमें जो है कीड़े पैदा होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। उसके ऊपर का कवर जरूर रखना है। सपोज अगर आपके पास कवर वगैरह नहीं है तो उस कंपोस्टिंग को आप जो है खुले जगह से हटा करके किसी शेड वाली जगह पर रख दीजिए, उसके ऊपर बोरे से या किसी मोटे कपड़े से उसको कवर रखिए, ताकि जो है जो मक्खियां वगैरह हैं और जो दूसरे कीड़े हैं वो उसमें पैदा ना हो, वो घुसे नहीं। साथ में अगर आपको कभी लगता है कि आपकी कंपोस्टिंग बहुत गीली हो गई है, तो फ्रेंड्स उसमें कोई भी सूखी चीज मिलाइए। सूखी देखिए पत्तियां, मिट्टी, ये सब तो है ही, तो कुछ सूखा मटेरियल जो है अपने पास स्टोर रखिए, जो कि इमरजेंसी में आपके काम आएगा। और जो आपकी कंपोस्टिंग बिल्कुल रेडी हो गई हो, उसको जो है बोरी वगैरह में या किसी भी बैग वगैरह में भर करके किसी शेड वाले इलाके में रख दीजिए, जहां पर उसमें बारिश का पानी ना आए। मेरे भी इसमें कई रखा है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, मेरे मैंने भी अपना तो यह है कि तैयारी कर दी, जिस दिन मुझे बादल बहुत दिख रहे थे उसी दिन मैंने जो था आकर के सारी जितनी भी मेरी कंपोस्ट वगैरह थी सबको मैंने बोरी ओरी में भर के रख दिया है। तो उसको ध्यान रखिए, बारिश का पानी जाएगा तो उसमें न्यूट्रिएंट उसके सारे लीच हो जाएंगे, यानी कि बह जाएंगे। अगर देखिए बीच में कुछ दिन धूप निकलती है तो एक काम आप जरूर करना, आपके जो पुराने गमले की मिट्टी है उसको जो है थोड़ा सा सूरज की रोशनी दिखा देना, जिसको कहते हैं सोलराइजेशन कर देना। अच्छी सूरज की रोशनी से दोस्तों उसमें कोई भी अगर चींटियां वगैरह होंगी, उसके अंडे बच्चे होंगे, वो भी भाग जाएंगे, और अगर मतलब मिट्टी में कोई खराबी होगी तो सूरज की रोशनी से वो भी मर जाएगी। बरसात की जो सूरज की रोशनी होती है बहुत तीखी होती है, तो फ्रेंड्स वो आपका दो या तीन दिन भी रख दोगे तो बहुत सफिशियंट होगा। नहीं रख सकते हो तो एक दिन पूरा जरूर दिखाइएगा सूरज की रोशनी। एक दिन का मेरा मतलब है कम से कम 8 घंटे तो दिखानी चाहिए उसको। उसको आप 2 दिन में दिखाइए या 3 दिन में दिखाइए, एटलीस्ट 8 घंटे जरूर सूरज की रोशनी दिखाइएगा, और उसको उलटते पलटते रहिएगा मिट्टी को, कि जो मिट्टी का नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर आ जाए। ऐसे करोगे ना तो मिट्टी में कीड़े मकोड़े हैं वो भी भाग जाएंगे, और साथ में जो है आपके क्या कहते हैं जो फंगस होगी वो जाएगी, और बाद में उस मिट्टी में बढ़िया आप फर्टिलाइजर वगैरह मिक्स करके उसको जो है चाहे तो अपने गमलों में भर दो या किसी भी बोरी में भर दीजिएगा। उस मिट्टी को कैसे रिफ्रेश किया जाता है, कैसे उसको नया बनाया जाता है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि बरसात के समय जो है कोई अपने पास फंजीसाइड वगैरह जरूर रखिए, क्योंकि रेनी सीजन में फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, तो आपको कुछ ना कुछ हैंडी जरूर रखना होगा। आप चाहे तो बवस्टीन रख लीजिए फंजीसाइड, या फिर साफ जो आता है वो रख लीजिए, या अपने लोकल एरिया की जो भी आपकी मार्केट है जहाँ पर सीड्स और खाद वगैरह मिलती है वहाँ जाकर के उनसे पूछ लीजिए फंजीसाइड के लिए, तो जो वो दें उस हिसाब से आप उसको बताएं, उस हिसाब से उसको यूज़ करते रहिए प्लांट्स में। कोशिश करिएगा जब बारिश खूब ज़्यादा होती है, तो जब बारिश रुकी है आपको लग रहा है कि आज जो है कम से कम 5-6 घंटे बारिश नहीं होगी, तो उस दिन जो है आप सुबह के समय अपने सुबह या फिर शाम कोई भी समय आप अपने प्लांट्स में उसको स्प्रे कर सकते हैं, तो इस तरीके से फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज आपको लगता है कि फंगस आ गई है, तो हम कहेंगे कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास अगर कोई फंजीसाइड नहीं है तो प्लांट के उतने हिस्से को आप बिल्कुल कट कर दो, बिल्कुल हटा दो। मुंह में मत पड़िए कि प्लांट मतलब मेरा छोटा हो रहा है या कम पत्तियां हो रही हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे इजी तरीका है उतना काट दीजिए, क्योंकि वो फंगस जो है पूरे प्लांट में नहीं पहुंचेगी आपकी, आप काट दोगे तो उतने में ही वो मतलब खत्म हो जाएगी। और सपोज अगर कोई मिट्टी से फंगस आ रही है तो उसके लिए सोलराइजेशन बताया है हमने,
वो कर दीजिए। और सोलराइजेशन नहीं कर पाते हैं तो मिट्टी में भी कोई फंजीसाइड मिलाइए। नीम की खली जो है बहुत ही अच्छी, ये भी जो है फंजीसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है, तो आप इसको नीम की खली को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारा बरसात का सीजन है कि ये तो जो है कटिंग्स लगाने के लिए बहुत ही अच्छा सीजन है। आपके जो भी फेवरेट प्लांट्स हैं तो कटिंग्स ग्रो करिए। बहुत सारी प्लांट्स से कटिंग लग सकती है, मैंने इस पर ऑलरेडी कई वीडियोस बना रखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हो। और मेरे ख्याल से जितने भी कॉमन प्लांट्स हैं तो आपको गार्डनिंग का शौक पूरा करना है तो बरसात के समय फ्रेंड्स खूब सारे प्लांट्स मतलब की कटिंग लगाइए और खूब अच्छे से आपका गार्डन जो है हरा भरा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है रेन वाटर हार्वेस्ट करना शुरू करिए। देखिए रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए हम मानते हैं कि हर चीज सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आपके पास जो चीजें भी अवेलेबल हो आप उसको उससे रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। घर में जो हम लोग के बड़े बड़े से टप आते हैं, प्लास्टिक के टप हैं, बाल्टियां हैं, कोई भी जो चौड़े मुंह का बर्तन जो भी होता है उन सबको आपने जब बारिश होती है आप उसको रख लीजिए। और उसका पानी जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है उसके पानी के अंदर। और जिस समय जब बारिश नहीं होती है, जैसे कभी जो है 4-5 दिन के लिए बारिश नहीं हो रही है, तो आप उसी पानी को यूज करिए अपने प्लांट्स में, बहुत अच्छा है, फ्री का ही बढ़िया पानी आपके प्लांट्स को मिलेगा। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सिस्टम कर मतलब बनाना, जो चीज अवेलेबल है उसी में करिए, लेकिन ना से तो अच्छा है कुछ तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट टिप हम ये कहेंगे कि अपने सप्लीमेंट्स को बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग से बचाइएगा। वैसे अगर आपका जो सॉयल मिक्स है ऐसा सॉयल मिक्स है कि उसमें पानी नहीं रुकता है और ड्रेनेज होल से निकल जाता है एक्स्ट्रा पानी, तो सक्यूलेंट्स के संग इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आप अपने सक्यूलेंट्स को थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचाइएगा। तो फ्रेंड्स यही सारी टिप्स थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर भी करिएगा ताकि ये वीडियो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।